कल को भारत ने पाकिस्तान से पीओके को वापस लेना है, इसलिए भारतीय सरकार को भी पता है कि वीटो पावर कितनी बड़ी ताकत है और हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा जापान में हुए G7 समिट में भी उठा लिया है और वहाँ पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इन तीनों परमानेंट मेंबर्स को कन्फ्रंट किया, यानी आड़े हाथों लिया। वैसे आज की डेट में बस भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देश हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए समय समय पर अपनी दावेदारी पेश करते रहते हैं। इनमें से मुख्य देश हैं जापान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और जर्मनी। भारत की बात करें तो भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए चाइना को छोड़कर हमें बाकी चारों परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट हासिल है। अब सपोर्ट से तो कुछ होता नहीं, कोई कंक्रीट स्टेप तो अभी तक इन सभी देशों ने लिया नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको खरी खोटी सुनाने का काम किया है, वो भी इन्हीं के समिट में। यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी चार परमानेंट मेंबर्स रशिया के आगे बिल्कुल बेबस नजर आए हैं, उसने एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस में बदलाव और रिफॉर्म्स की चर्चा को तेज कर दिया है और भारत इस आग को शांत होने नहीं देना चाहता है। इसलिए भारत ने इस मुद्दे को G7 में एक बार फिर से उठा लिया है। और अगर यूक्रेन युद्ध के कॉन्फ्लिक्ट को हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के नजरिए से देखें तो इन तीनों देशों के साथ आने पर भी ये रशिया को बिल्कुल नहीं रोक पाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करना होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन इसलिए किया गया था ताकि इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी यानी दुनिया भर के सभी देशों के बीच शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। जहां भी दुनिया में दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो उसको रोका जा सके, या फिर अगर कोई एक बड़ा देश छोटे देश के ऊपर आक्रामकता दिखा रहा हो, उसको डरा धमका रहा हो, उसकी टेरिटरी छीनने की कोशिश कर रहा हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ही ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, जो कि आज तक अपना ये काम करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी G7 की जापान विजिट के दौरान इसी मुद्दे के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को टारगेट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर NDTV इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नहीं किए गए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक टॉक शॉप ही बनकर रह जाएगी। G7 में अपने संबोधन में तीन परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया कि हमें इस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें अलग अलग मंचों और फोरम्स के ऊपर जाकर वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी यानी शांति और स्थिरता की बात क्यों करनी पड़ती है। पीस और स्टेबिलिटी यानी शांति और स्थिरता के लिए यूएन की जो शुरुआत की गई थी, यूएन आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक ही क्यों नहीं पा रहा है? क्यों अभी तक यूनाइटेड नेशंस में टेररिज्म की डेफिनेशन तक एक्सेप्ट नहीं की गई है? अगर इन सब के ऊपर हम खुद ही सोच कर देखें, एक चीज सामने निकल कर आती है। पिछली शताब्दी में जो संगठन खड़े किए गए थे वो 21वीं शताब्दी की व्यवस्था के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। अभी जो वर्तमान की वास्तविकताएं हैं उनको पिछली शताब्दी के संगठन बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे बड़े संगठनों में जल्द से जल्द रिफॉर्म्स किए जाएं। G7 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ऐसे संगठनों को ग्लोबल साउथ की आवाज बनना पड़ेगा, नहीं तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को बस खत्म करने की बातें करते रहेंगे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये सारे संगठन एक टॉक शॉप बनकर रह जाएंगे, यानी एक ऐसी दुकान बनकर रह जाएंगे जहां पर बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दुनिया के सभी देशों के लीडर्स आकर वहां पर अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी यानी शांति और स्थिरता के बारे में अपनी अपनी राय देकर वापस अपने घर चले जाते हैं, यानी एक्शन कोई नहीं होता है। वैसे जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को टॉक शॉप कहकर संबोधित किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको हेडलाइंस में छापा है। पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगला रिफॉर्म जब भी होगा एशिया से भारत की एंट्री तो पक्की है। ऐसे में भारत की यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर, इन सबको जब भी मौका मिलता है ये काफी बोल्ड अंदाज में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर उठाते हैं।